हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। पीएम मोदी ने पूर्व में रही अखिलेश यादव की सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पहले यूपी में गुंडों और माफियाओं का राज था, लेकिन योगी जी ने इन माफियाओं को जेल में भेजकर यूपी का वातावरण अच्छा किया है। मोदी ने कहा कि यूपी में पहले महिलाएं असुरक्षित थी, लेकिन योगी राज में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। पीएम मोदी ने मंच पर आते ही प्रयागराज की जमकर तारीफ की और खड़ी इलाहाबादी बोली बोलकर लोगों का दिल छूने की कोशिश की। पीएम मोदी के इलाहाबादी बोलने पर जमकर लोगों ने तालियां बजाई। ये धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयाग राज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मा इस पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में पूरे यूपी से करीब 2 लाख अलग अलग सेवाओं से जुड़ी महिलाओं को बुलाया गया था। अधिकतर महिलाएं मोदी को देखने और सुनने को काफी उत्साहित थीं। कुछ महिलाएं तो पीएम से अपनी परेशानियां भी बताना चाहती थीं। यहाँ पर कार्यक्रम में हम लोग आई हैं, समूह की महिलाएं हैं, हम गोदलपट्टी गांव से, आसपुर दूसरा ब्लॉक से आए हैं। हम लोगों को यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी कुछ हो, समूह की महिलाओं को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, हर चीज़ से हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भी आज बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकल रही हैं तो वो भी मोदी जी की वजह से निकल रही हैं। तो सारी महिलाओं को जो है, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, लेकिन सारी चीज़ की जानकारी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहादुरपुर ब्लॉक से आए हैं और सोनी गाँव से हैं, समझू समूह सखी। समूह सखी क्या मिला? कुछ नहीं मिलता। हाँ, समूह सखी इतना गालियाँ गाँव में खाती हैं, एक प्रधान से बेहतर हो चुकी हैं, उनको महिलाएं बहुत गाली देती हैं, उनको कोई प्रमाण दीजिए। इसलिए आई है यहाँ? यहाँ मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया। मेरा नाम उर्मिला है, मैं ग्राम रहीमपुर विजधन ब्लॉक अकमर कानपुर नगर में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम जय महिला भीम स्वयं सहायता समूह है, और यहाँ की व्यवस्था सब बहुत अच्छी मिली है, और सुन के कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। पीएम मोदी के भाषण और अखिलेश यादव के कार्यकाल पर किए गए तंज से साफ है कि यूपी में चुनाव में पीएम भी काफी सक्रिय है, जिससे समाजवादी पार्टी को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।